अगर आप भी संतरे खाने के बाद संतरे के छिलके फेंक देते हैं तो रुकिए, एक बार ये वीडियो जरूर देख लें। संतरे के बेकार छिलकों से हम बहुत ही अच्छा क्लीनर घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किन्नू लिए हैं और उसके छिलके मैंने निकाल लिए हैं। आप संतरे के छिलके भी यूज़ कर सकते हैं, किन्नू के भी यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर इन छिलकों को हम फेंक देते हैं, लेकिन इससे हम बहुत ही अच्छा क्लीनर घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो अभी एक कांच का कोई भी जार लेंगे और उसमें इन सारे छिलकों को डाल देंगे। और फिर इसमें हम सफ़ेद सिरका डालेंगे। और इसका ढक्कन लगाकर हम इसे 3 से 4 दिन के लिए पड़ा रहने देंगे। तो बीच बीच में इसको हिलाते रहें। तो दिन में 2 बार मैंने इसको हिला दिया था, तो अभी 3 दिन हो चुके हैं इसको रखे हुए। तो चलिए अभी हम इसको छलनी में से छान लेंगे और इसके छिलके अलग कर देंगे। और फिर इसे एक स्प्रे बॉटल में डालकर रखेंगे। तो इस तरह से होममेड क्लीनर बनकर तैयार है, वो भी बेकार फेंके जाने वाले छिलकों से। अक्सर हम छिलकों को फेंक देते हैं, तो उनसे हमने एक बहुत ही अच्छा क्लीनर तैयार किया है। तो अभी मैं इससे आपको साफ करके दिखाऊंगी। तो मैं इससे साफ करने वाली हूँ माइक्रोवेव को। अभी 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे और उसे मैंने माइक्रोवेव के अंदर छिड़क दिया है। और फिर तैयार किया हुआ क्लीनर का हम स्प्रे कर देंगे। और अब 5 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद हम एक कपड़ा लेकर उसे पोंछ देंगे। तो लीजिए, माइक्रोवेव बिल्कुल साफ हो चुका है होममेड क्लीनर से। तो अभी मैं माइक्रोवेव की टर्न टेबल को भी साफ करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफी निशान से हैं। तो बेकिंग सोडा मैंने टर्न टेबल के ऊपर छिड़क दिया है। तो अभी इसके ऊपर भी स्प्रे कर देंगे और 5 मिनट के लिए वेट करेंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, तो एक कपड़ा लेकर हम इसे साफ करेंगे। टर्न टेबल पूरी तरह से साफ हो चुकी है, तो अभी हम इसे एक बार पानी से धो लेंगे। तो इस तरह से होममेड क्लीनर से मैंने माइक्रोवेव को और माइक्रोवेव की टर्न टेबल को साफ किया है। आपको घर पर ही क्लीनर बनाने का ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।